दोस्तों अगर आप भी इसी कन्फ्यूजन में है, इसी दुविधा में है कि गाड़ी ले या ना ले, आपके मन में भी काफ़ी कन्फ्यूजन्स आती हैं, काफ़ी सवाल आते हैं कि अगर गाड़ी लेंगे तो कौन सा खर्चा बढ़ेगा और कौन सा खर्चा घट जाएगा, तो आज मैं आपको इस YouTube वीडियो में ऐसे लोगों से मिलाऊंगा जिन्होंने अपने स्टूडेंट लाइफ के दौरान या स्टूडेंट लाइफ के बाद अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पे और अलग अलग रीजंस की वजह से गाड़ी ली थी, और ऐसे लोगों से मिलने पर आपको पता चलेगा उनका पर्सपेक्टिव और आपको मिलेगा अपना एक रीज़न कि आपको गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं। चलिए मिलते हैं उन लोगों से। तो ये है मेरा दोस्त, इसका नाम है जगजीत सिंह। इसने गाड़ी अपनी स्टूडेंट लाइफ के बाद ली थी। इसने जब ये वर्क परमिट पे आ गया था तो तब इसने ये गाड़ी ली थी। आप देख सकते हैं इसके पास है रैंगलर, जो कि बहुत महंगी और बहुत बड़ी गाड़ी है। तो आइए अब इससे पूछते हैं इसका पर्सपेक्टिव क्या है कि इसने गाड़ी कब ली, क्यों उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ली, किस रीज़न के लिए ली और इतनी महंगी गाड़ी क्यों ली। आपको ऐसी ज़रूरत क्यों महसूस हुई कि आपको गाड़ी लेनी चाहिए? देखो मेरा एक तक काम जिहड़ा सीगा वो अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करना हुंदा ही मैं, ते काफ़ी लेट तक मेरा काम हुंदा है क्योंकि ये शिफ्ट वाइज काम नहीं हुंदा। टाइमिंग की जी प्रॉब्लम आती है, इस करके मैं गड्डी लैन की लोड़ पई सी। मैं अपना कॉलेज लाइफ अपनी कढ ली, एक साल का मेरा वर्क परमिट मैं अपना कढ लिया सीगा, फाइनैशियली मैं स्टेबल सीगा, ते मैनू लग्या कि मैं हुण इहनू अफोर्ड कर सकदा कार नू, इस करके मैं सोचा कि चलो लै लैने। तो बहुत ही जरूरी बात है, जगजीत ने यहाँ बोला कि उनको कार की एक जरूरत थी, उनको काम पे जाने पे आसानी होगी और उन्होंने अपनी फाइनेंशियल इनकम को भी देखा, जॉब सिक्योरिटी थी, तो इसलिए उन्होंने गाड़ी ली। फाइनेंशियली उसके क्या फायदे और नफायदे हो सकते हैं गाड़ी लेने की? कोई चीज ता लेंदे तां कोई लोड़ हुंदी चीज दी, इस करके मैनूं लगदा कि मैं गलती कीती इहदे विच लै के, तो मैनूं लगदा इहदे फायदे फायदे आ। जे तुसीं फाइनेंशियली अपना देखना वा कि नहीं तुसीं सेविंग ज्यादा करनी आ, फिर तुसीं कुछ होर सोच सकदे जे, कोई छोटी गड्डी लै सकदे जे, बट मैनूं लग्गिया कि मैं फाइनेंशियली सिक्योर आ, इस करके मैं कोई सोचा नहीं ज्यादा। एक्चुअली इहदी ईएमआई मैं बाई वीकली दिंदा वा, ते बाई वीकली मैनूं $366 पैंदे आ। इंश्योरेंस मेरी एक तां मैं नवा लाइसेंस सीगा, ते नवे लाइसेंस दे करके मेरी इंश्योरेंस थोड़ी जी वध सीगी, इस करके मैं 430 दे अराउंड मैं पे करदा इहदी इंश्योरेंस। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया जगजीत ने यहाँ, अगर आपका नया लाइसेंस हो, अगर आपके पास ड्राइविंग एक्सपीरियंस ना हो पहले का, तो आपको इंश्योरेंस महंगी पड़ती है। अगर आपका लाइसेंस जितना भी पुराना होगा, चाहे आपने अपनी गाड़ी ना ली हो, अगर आपके पास लाइसेंस यहाँ का पुराना होगा तो आपकी इंश्योरेंस सस्ती पड़ सकती है। वो स्टूडेंट जो ये वीडियो देख रहा है और वो गाड़ी लेने के बारे में सोच रहा है, तो आप उसको क्या सलाह देना चाहिए? देखो सलाह तो मैं यही दूंगा कि जे तो स्टूडेंट नू इन्नी ज़्यादा लोड आ कि गड्डी तो बिना सारी नहीं सकता, उदा काम ही नहीं चल सकता, जां उदी जॉब ही इदां दी आ कि उन्हें ड्राइव करके जाना ही पैना, थोड़ी दूर जॉब आ जां काम थोड़ा उदां दा नाइट शिफ्ट वगैरह वा, फिर तो वह लै सकता, बट इन्नी महंगी लैन की लोड़ नहीं। वो आराम ना कोई कैश से गड्डी चक सकता, थोड़ी वधिया कंडीशन दे विच देख सकता वा, तो बाद विच तुसीं लै सकदे जे गड्डी, जे तुसीं देखो कि तुसीं फाइनैंशियली सिक्योर हैगे जे कि नहीं हैगे। तो ये है मेरा दोस्त मनदीप सिंह, इसने ये गाड़ी अपनी स्टूडेंट लाइफ के दौरान ली थी। तो आइए जानते हैं इसका पर्सपेक्टिव क्या है गाड़ी लेने या ना लेने के बारे में। जी ये है डॉज चार्जर 2019 3.6 लीटर कैपेसिटी एंड V6 इंजन, तो ये अपनी जान है। आपको ऐसी जरूरत क्यों महसूस हुई कि आपने गाड़ी ली? एक्चुअली जे मैं ऑनेस्टली दसा तो मैं कोई लोड नहीं सी गड्डी दी, पर मैं गड्डी ले एज अ शौक, मैं अपना शौक पूरा करना सी, मैं अपना शौक पूरा किया वा गड्डी लैके, तो जे कनेडा आया तो जे शौक नहीं पूरे किए तो फिर कोई फायदा ही नहीं इतने आने का। तो दूजा रीज़न है कि मैं अपना फैक्ट्रिया का काम जे लेबर होंगी जनरल लेबर तो बहर निकलना चाहता सी, तो गड्डी लैंड मेरिया ओपरचुनिटीज होर ज़्यादा वध गई, इट इज़ वर्थ बाइंग अ कार। फाइनैंशियली अगर मैं पूछूँ तो क्या फायदे नफायदे हैं इतनी बड़ी गाड़ी लेने के? मैं अपना जस्ट शौक पूरा किया है, तो मेनू इंप्लॉयमेंट जी इनकम है मेरी ओदा पूरा बैकअप हैगा सी, इस करके मैं गड्डी लैन जो मैं लैन लगा मैं उदो ज़्यादा नहीं सोचा मैं गड्डी लैन दी। अच्छा शौक पूरा करने के पीछे पीछे आपने एक कस्टम नंबर प्लेट भी लगवाई, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये भी शौक है जी, ब्रैम्पटन नहीं कहूँगा मैं, अजकल ये चीज़ा बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल ने, सो ता करके मैं भी लवाई है। आज इस गाड़ी की क्या कीमत है मार्केट वैल्यू? इंक्लूडिंग एवरीथिंग इंटरेस्ट एंड टैक्सेस मैंने 40,000 दी पई। आप इस गाड़ी की कितनी ईएमआई उतारते हैं? $290 बाई वीकली। और इंश्योरेंस कितनी है?
$500 ਸੋ ਏਰੀਆ ਏਰੀਆ ਦੇ ਫਰਕ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਥੋੜਾ ਨਵਾਂ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਯਹਾਂ ਇਹ ਆਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਨੇ ਇਹ ਗਾੜੀ ਇਤਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਗਾੜੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਂਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਤੋ ਲੈ ਲੀ ਲੇਕਿਨ ਆਪਨੇ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਾਈਫ ਕੇ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਆਪਕੇ ਇਸਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਕਿਆ ਵਿਊਜ਼ ਹੈ ਆਪਕੋ ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਮੇਂ ਆਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਕੋ ਇਹ ਗਾੜੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਪੇ ਆ ਕੇ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਏ ਥੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਾਈਫ ਕੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਕੋ ਥੋੜਾ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਏ ਥਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਨਕਮ ਦਾ ਬੈਕਅਪ ਹੈਗਾ ਸੀ ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲਿਆ ਸੀ ਗੱਡੀ ਲੈਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਬਚਦਾ ਵਾ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀਜ਼ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਸੇਵਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਂਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਪੇ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਇੰਡੀਆ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੈ ਉਨਕੋ ਆਪ ਕਿਆ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਗਾੜੀ ਲੈਣੇ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਜਾਂ ਨਾ ਲੈਣੇ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ੌਂਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਜੀ ਸਦ ਕੇ ਗੱਡੀ ਲਵੇ ਬਸ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਵਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ 3-4 ਡੀਲਰਾਂ ਤੋਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਅਵੈਲੂਏਟ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਮਹਿੰਗੀ ਆ ਸਸਤੀ ਆ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਲਵੇ ਇਹ ਗੱਡੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡੀਲਰ ਤੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ $45,000 ਦੀ ਲਾਈ ਸੀ ਮਤਲਬ $45,000 ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਲਈ ਇਹ ਗੱਡੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਮੈਨੂੰ $40,000 ਦਿੱਤੀ ਸੋ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ₹2,50,000 ਦਾ ਫਰਕ ਮਤਲਬ $5,000 ਘੱਟ ਦੀ ਗੱਡੀ ਪਈ ਮੈਨੂੰ ਰਾਈਟ ਵੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਕੋ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ ਸੋ ਆਪਨੇ ਯਹਾਂ ਮਨਦੀਪ ਕੀ ਬਾਤ ਸੁਣੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਹਮ ਦੇਖਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਬੜੀ ਗਾੜੀਆਂ ਖਰੀਦਤੇ ਹੈ ਮਹਿੰਗੀ ਗਾੜੀਆਂ ਖਰੀਦਤੇ ਹੈ ਔਰ ਹਮ ਸੋਚਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸੀ ਗਾੜੀ ਕਿਉਂ ਖਰੀਦੀ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਾਈਫ ਮੇਂ ਐਸੀ ਗਾੜੀ ਤੋ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਨੀ ਚਾਹੀਏ ਤੋ ਮਨਦੀਪ ਨੇ ਯਹਾਂ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਂਕ ਪੂਰਾ ਕੀਆ ਹੈ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਕੇ ਸ਼ੌਂਕ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਗੇ ਤੋ ਆਪ ਕਿਆ ਕਰੇਂਗੇ ਸੋ ਮਨਦੀਪ ਥੈਂਕ ਯੂ कौर है और मैं यहाँ पर हम्बर कॉलेज में अपना स्टूडेंट हूँ और मैंने अपने स्टूडेंट लाइफ में कार ली है टोयोटा करोला 2003 मॉडल आपको ऐसी क्या जरूरत महसूस हुई कि आपने ये गाड़ी ली बैक होम इंडिया में मेरे पास कार थी तो मुझे यहाँ पर जरूरत फील होती थी कि कार होनी चाहिए मोर ओवर कार लेना अपना व्हीकल होना एक खुद में ही कन्वीनियंस है आप अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू जा रहे हो तो आपको अपना टाइम उसके अकॉर्डिंग मैनेज करना पड़ता है तो इस वजह से मुझे जरूरत फील हुई कि मुझे यहाँ भी कार होनी चाहिए मेरे पास फायदे ये कार लेने के यहाँ पर बहुत सारे हैं और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी बहुत है मुझे कार लेने से पहले ना मैं डरती थी कि कैसे मैं अपने एक्सपेंसेस सॉर्ट करूंगी तो यहीं पर ही मुझे मेरे एक फ्रेंड ने बोला कि अगर कार होती है तो आई थिंक कार अपने एक्सपेंसेस खुद निकालती है आप अपनी स्टडीज और अपने काम को मैनेज कर पाते हो जैसे कि मेरा ड्रॉप था मेरे कोर्स के बीच में 4 मंथ्स का गैप था तो उसमें मैंने कोशिश करा कि मैं एक डे में 2 काम कर रही थी अगर तो ट्रैवलिंग टाइम था एक काम से एक शिफ्ट खत्म करके दूसरे काम पर टाइम पर पहुंचने में कार ने हेल्प करी फाइनेंशियली क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं एक गाड़ी लेने के यहाँ पर इंश्योरेंस होती है उसके अलग एक्सपेंसेस होते हैं मेंटेनेंस देखनी होती है कार खराब हो जाती है विंटर टायर्स की यहाँ पर जरूरत होती है एंड और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कार लेने के बाद मुझे समझ आया कि सिर्फ एक कार अगर आपने कैश पे ले लिया इसका मतलब ये नहीं है कि खत्म हो गया इसके लाइफ लॉन्ग जब तक कार है तो एक्सपेंसेस भी है ये सब कुछ तो अगर आप वो एक्सपेंसेस निकाल सकते हो देन इट्स गुड फॉर यू बट अगर नहीं निकाल सकते तो ये मोर लाइक आपके ऊपर प्रेशर हो जाएगा एवरी मंथ आपको रेंट एंड ग्रोसरीज के साथ फिर इसका भी एक एक्सपेंस देखना पड़ेगा मुझे इसके कोई कॉन्स लगे नहीं क्योंकि मैं अफोर्ड कर सकती थी और मैंने चूज भी वही करी जो अफोर्डेबल थी एट दिस टाइम जो मैं स्टूडेंट लाइफ में हूँ अपनी जितना मैं काम कर सकती हूँ उसके अकॉर्डिंग मुझे अफोर्डेबल लगी फिर मेरे जितने मुझे इसके बेनिफिट्स मिले हैं प्रोज मिले हैं मेरा जो ट्रैवल टाइम कम हुआ है मैं अपनी एज पे चल सकती हूँ जब भी मुझे जाना है ग्रॉसरी करने जाना है रात को सुबह कहीं पे भी ट्रैवल करना है मैं अपनी गाड़ी में अपनी सेफ हूँ तो दोस्तों गुरनूर ने यहाँ बहुत अच्छी बात की जो हमने दूसरे लोगों की वीडियो शूट की थी उन्होंने भी बताया था कि कार लेने के वक्त उनके पास एक जॉब सिक्योरिटी थी जॉब स्टेबल इनकम थी जिसके कारण उन्होंने डिसीजन लिया कि हम कार लेने जा रहे हैं आपने कैश पे गाड़ी लेने के बारे में क्यों सोचा क्यों नहीं आपने एक अच्छी गाड़ी या एक बड़ी गाड़ी लेने के बारे में सोचा एवरीबॉडी नोज अबाउट देयर पॉकेट मुझे ये गाड़ी अच्छी कंडीशन में मिल रही थी सही प्राइस पे मिल रही थी ना मैंने अपना एक बजट बनाया हुआ था कार के लिए उसके अंदर मिल रही थी इसलिए मैंने ये लेना प्रेफर करा ये शो ऑफ मेरे माइंड में नहीं था मुझे पता था मैंने अपने सर पे बर्डन नहीं डाला मैंने अपनी लाइफ ईजी करने के लिए कार लेनी है
अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए गाड़ी लेनी है। मैं इंश्योरेंस ले रही हूँ 320। ये 320 इंश्योरेंस थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है, जो सिर्फ अगर मेरे से किसी की गाड़ी लग जाती है तो सिर्फ उसकी गाड़ी का या उसका लॉस बियर करेगी, मेरे को अपनी गाड़ी खुद ठीक करवानी पड़ेगी। दिस इज द मीनिंग ऑफ थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। पर ये 320 इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि एक तो ये ब्रैम्पटन की इंश्योरेंस है, ब्रैम्पटन के या GTA एरिया के थोड़े से एक्सपेंसेस थोड़े हाई है। और एक और रीजन ये भी है कि मेरे पास G लाइसेंस नहीं है, मेरे पास G2 लाइसेंस है, तो उसके लिए भी इंश्योरेंस, G के बाद आपकी इंश्योरेंस थोड़ी और कम हो जाती है, तो मेरे G2 पे है ये इंश्योरेंस। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जो गाड़ी लेने के बारे में सोच रहे हैं या इस डिलेमा में है कि गाड़ी लें या ना लें, बड़ी लें, छोटी लें, कैश पे लें, उनको आप क्या सजेशन देना चाहेंगी? अपनी पॉकेट को देखते हुए लीजिए, शो ऑफ और स्टेटस सिंबल अपने दिमाग में मत रखिए। वंस यू आर हेयर, वंस यू आर स्टेबल, डेफिनेटली आप बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेंगे, कोई उसमें इशू नहीं है। दैट वॉज द रीजन कि मैंने ये लिया आफ्टर कैलकुलेटिंग ऑल माई एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग ऑल द वॉशेज, मेंटेनेंस, गैस। मंथली इसका कॉस्ट 400 तक पड़ जाता है, $400 Canadian ओके। कैमरे के पीछे खड़ा हुआ इंसान $1,000 महीने का देता है फिर भी नहीं खुश। और उसी चीज से बचने के लिए मैंने ये समझदारी दिखाई थी। कौन सी जगह जा सकते हैं वहाँ जहाँ उन्हें एक अच्छी ऐसी कैश पे गाड़ी मिल सकती है? इट्स बेटर कि वो Kijiji या फिर मार्केट प्लेस पर सर्च करे रादर देन गोइंग टू द डीलर्स एंड द बायर्स, क्योंकि वो उनका माइंड सेट चेंज कर सकते हैं, वो उनको एक्सपेंसिव गाड़ियाँ दिखा सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आप इन साइट्स पे जाएंगे Kijiji और मार्केट प्लेस, आप बीच में से मिडल मैन निकाल देंगे। या एग्जैक्टली, तो आपको बहुत आसानी होगी, आपके पास ट्रांसपेरेंसी होगी, जिसने चलाई है उससे बाय कर रहे होंगे। एग्जैक्टली। तो दोस्तों अब मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ अपने दोस्त अमितेश से। हाँ, मेरी गड्डी है ये है फोर्ड फ्यूजन SE मॉडल, 2018 चलाई सी, 2016 मॉडल आ, ते ए मैं टैक्स पा के 16,000 दी लई सी। को स्टूडेंट लाइफ के दौरान ऐसी क्या जरूरत महसूस हुई कि आपको लगा कि ये टाइम सही है गाड़ी लेने के लिए? पहला तो मेरे पेरेंट्स प्लान कर रहे थे आने लई जा कमाउन, उन्होंने कैनेडा दिखाना, अपनी लाइफ दिखानी है भी किदां दी है इत्थों कैनेडियन लाइफ। तो बाकी मेरा सीगा कि मैं उदों कोऑप करदा सीगा, जॉब लगी सी मिसिस सागच, ते उस वेले 2018 च फैसिलिटी नहीं सी बस दी, मेन रीजन मेरा आ दो सीगे। सो कहने का मतलब अमितेश ने मेन रीजन जो थे उनके गाड़ी लेने के लिए अपने पर्सनल रीजन थे और इसलिए ली थी कि जहां वो काम करने जाते थे या जहां वो काम करना जाना चाहते थे वहां बस की फैसिलिटी नहीं थी, तो वहां काम करने जाने के लिए उनकी गाड़ी ने उन्हें बहुत हेल्प किया ताकि वहां अपनी वो एम्प्लॉयमेंट कंटिन्यू रख सके। मैं यह गड्डी अपने एक्चुअली एप्लीकेशन तो देखी सी, इनू कारगुरूज कहंदे ने एप्लीकेशन नू, ते मेरे दिमाग च ए सीगा मिनिमम मेरा होवे कि अराउंड 13,000 ते मैक्सिमम होवे 20,000, क्योंकि 20,000 तो ज्यादा गड्डी एज ए स्टूडेंट तो उदो अफोर्ड करना थोड़ा मुश्किल आ। मेरा 13,000 मिनिमम ता सीगा कि जे मान लो कि हुण तुसी ज्यादा चली हुई थोड़ी जी गड्डी लैने हो तो उन्होंने फिर मेनटेनेंस की उन्नी लोड हुंदी आ। बट मैं उन्होंने साफ कहता सीगा कि मैं क्या मैं आह गड्डी देखना आया, आही लैनी आ, ते आही मेरा बजट आ, ते इदू ज्यादा नहीं मैं जाना है। तो दोस्तों आपको ये बहुत एक्सपीरियंस करने को मिलेगा कि जब भी आप गाड़ी लेने जाएंगे आपको जो सेल्समैन होते हैं तो आपको पुश करेंगे कि आप $50 इंक्रीज करके एक नई गाड़ी ले लें, एक लेटेस्ट गाड़ी ले लें, जब वो सम पूरा साल में इकट्ठा होता है तो वो बहुत बड़ा बन जाता है। आपने क्यों नहीं एक महंगी टॉप ऑफ द लाइन लेटेस्ट बढ़िया गाड़ी ले ली, आपने क्यों ऐसी एक गाड़ी ली जो आपके बजट में फॉल करती थी? देखो जिवें तुसी गल कीती सीगी तुसी जाने हो कार लैण तां उह तुहानूं $20 ज़्यादा फोर्स करदे आ, ते उह तुसी गल बहुत सही कीती आ कि 20-20 जोड़ के उह बहुत ज़्यादा हो जांदे आ। तुसी जित्थों भी सेविंग कर सकदे हो अपनी जरूर करो। गाड़ी की आप कितनी इंस्टॉलमेंट उतार? इहदी महीने दी 300 देना, मेरी इंश्योरेंस हैगी आ 350। जदों भी तुसी आउंदे हो एज सून एज तुसी अपना जीवन बना सकदे हो प्लीज़ कोशिश करो, क्योंकि वह तुहानूं लेटर ऑन फायदा करदा, क्योंकि तुसी जीवन बना लिया उन्नी छेती तुहाडा G2 बनू, उन्नी छेती तुहाडा G बनू, ते जिन्ना तुहाडा G पुराना हुंदा जाऊगा उन्नी तुहाडी कार की इंश्योरेंस सस्ती हुंदी जाऊगी, क्योंकि तुहाडा लाइसेंस पुराना वा। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ अमितेश ने की है, ये चीज़ पहले भी हर एक गेस्ट जो इस वीडियो पे आया है उन्होंने की है कि आप जितनी जल्दी अपना लाइसेंस बनवा लें, लाइसेंस बनवाना शुरू कर दें। 3 क्लासेस होती है, मैं फिर से बताऊंगा, G1, G2 और G। जितनी जल्दी ये लाइसेंस बनवा लें और जितना पुराना आपका लाइसेंस होगा आपको उतनी मदद होगी एक सस्ती और अच्छी इंश्योरेंस मिलने में।
जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जो इस डिलेमा में है, इस कंफ्यूजन में है, अच्छी गाड़ी लें, टॉप ऑफ द लाइन लें, या फिर एक इन बजट गाड़ी लें, या फिर एक कैश पे गाड़ी उठा लें, उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे स्टूडेंट लाइफ के दौरान? कोई भी गड्डी लेनी है वो तुसी टॉप ऑफ द लाइन ना देखो, महंगी गड्डी ना देखो। महंगी गड्डी दे उन्नी खर्चे आ, तुसी महंगी परफॉर्मेंस गड्डियां लै लो उहदी उन्ना ही मेंटेनेंस आ, उन्नी उहदी गैस दे खर्चे आ, उन्नी वध ही उहदी इंस्टॉलमेंट आ। ते एज ए स्टूडेंट तुसी चाहुंदे हो कि उह खर्चे मिनिमम होण, तुसी उहदी नेसेसिटी फील कर रहे हो तां सिर्फ उदों ही लो। तो दोस्तों, अब तो आप जान ही गए होंगे कि लोग किस किस रीज़न के कारण गाड़ियां लेते हैं। पर्सनली मेरे पास गाड़ी नहीं है, लेकिन आज हमने आपको हर टाइप के इंसान से मिला दिया। एक इंसान वो जिसने वर्क परमिट पे आके गाड़ी ली थी, एक इंसान वो जिसने शौक पूरा करने के लिए, सपना पूरा करने के लिए गाड़ी ली थी, एक इंसान वो जिसने पैसे बचाने के लिए कैश पे गाड़ी ली, और एक इंसान वो जिसने इन बजट अपने पसंद की गाड़ी ली। तो अगली बार आपको मिलेंगे, आप ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा ताकि मैं अपनी वीडियो और बेहतर बना सकूँ। थैंक यू, बाय।